हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देखो, ये सेलकोन का साउंड ऑफ द नेशन अपना बेस ट्यूब है, 8 इंच का बेस ट्यूब मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे आप इसकी सेलकोन की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, ओरिजिनली ये सेलकोन का है और ये मॉडल नंबर SL1580, स्पीकर टाइप 8 इंच, 200 mm, नॉर्मल इम्पीडेंस 4 ओम, पावर हैंडलिंग 300 वाट RMS का है ये सबवूफर, और ये पीक पावर इसकी 4800 वाट है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 4500 हर्ट से 200 हर्ट तक जाएगा ये, और सेंसिटिविटी 90 dB तक जाएगा। बेस ट्यूब मटेरियल प्योर MDF है ये दोस्तों, प्योर MDF में बना हुआ है ये अपना। तो यहाँ पे आपको हम इसको खोलते हैं, तो देखिए सामने अपने को सेलकोन का जो ओरिजिनल अपना बेस ट्यूब है उस पर आपको सेलकोन का ये नाम ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते बाहर अभी। तो दोस्तों देखिए, अपना बेस ट्यूब जो है ये बाहर आ चुका है। ये सामने से अपना जो है सबवूफर, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए फोम कोन में है, काफ़ी बेस्ट सबवूफर है। ठीक है, और काफ़ी हार्ड कोन में है, कितनी मोटी इसकी फोम है ये भी देख सकते हो आप। ठीक है, बेस ट्यूब में यही सबवूफर यूज़ किया जाता है, और ये सेलकोन अपना ब्रांड में मिल जाता है आपको। साथ में साथ ही साथ इसको आपको एम्पलीफायर भी हम दे रहे हैं, इसमें एम्पलीफायर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अलग से कोई तामझाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई भाई लोग बोलते हैं भाई मेरे को कंप्लीट बेस ट्यूब दो, तो लो ये आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट बेस ट्यूब जो है ऑर्डर पे, स्पेशल ऑर्डर पे आप लोगों के लिए मैंने जो है ये बनवाई है। ठीक है, और ये जो बेस ट्यूब है किसी के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2023 में ही बनी है। ठीक है, और पहले ये बेस ट्यूब नहीं आता था और अब ये आने लगा है। सेलकोन का सबवूफर है ये ओरिजिनल, ये सेलकोन का ही सबवूफर है। ठीक है, सेलकोन ब्रांड का ही सबवूफर है। इसकी वायरिंग भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। यहाँ पे जो है अपना देखिए स्पीकर है, यहाँ पे लेफ्ट राइट ऑडियो आउट मिल जाता है आपको। ठीक है भाइयों, यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट राइट ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, यहाँ पे इनपुट मिल जाता है, यहाँ पे आप इनपुट देंगे, और यहाँ पे जो है आपको फ्रीक्वेंसी का आप 40 हर्ट से 200 हर्ट तक आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो है ये आपका क्रॉस ओवर है, ये आपने फुल पे कर रखा है अभी हमने। यहाँ पे जब बेस पे करेंगे तभी ये बेस देगा, और फुल पे करेंगे तो ये आवाज़ देगा। ठीक है, अभी बेस पे कर देंगे, हम इसे बेस लेंगे। और यहाँ पे जो है ये रिमोट, अगर आपने घर पे चलाना है तो इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, REM को और रिमोट को और 12 वोल्ट को, इन दोनों को शॉर्ट करके, और ये ग्राउंड वाला जो है ग्राउंड में लग जाएगा। ये 12 वोल्ट इसमें देना है और ग्राउंड को ग्राउंड में लगा देना है बस। तो यहाँ पे आपको MP3 ऑक्स इनपुट मिल जाता है, और हाई इनपुट मिल जाता है, हाई आउटपुट मिल जाता है आप लोगों को इसके अंदर। और ये हॉल पास जो है कितना बड़ा दे रखा है ये देखो, ये हॉल पास भी कितना हैवी मिल जाता है आप लोगों को। जो है सबवूफर की मैग्नेट जो है यहीं से आप लोगों को दिख जाएगी कितनी चमक रही है। ठीक है मेरे भाइयों, तो और इसके साथ जो हम इसे ई रिक्शा में सेट करेंगे अभी फ़िलहाल, तो जिस भाई को ये चाहिए हो उसको वो हमसे ले सकता है, और ये ई रिक्शा में फ़िट होगा। तो इसमें जो सामान लगेगा ई रिक्शा में फ़िट होने के लिए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हाल ही हाल। ठीक है, ये देखिए, ये इतना सामान इसमें जो है ये लगेगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो है हम पूरी वायरिंग करके दिखाएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मैं जो बता देता हूँ इसे कैसे हम अपने जो किसी भी कार या ऑटो रिक्शा में या बाइक में किसी में भी आप इसको आसानी से लगा सकते हो, किस तरीके से लगाओगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो, ये अपना USB कार्ड है दोस्तों, ये नॉर्मल USB कार्ड है अपना, ये हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो है लेफ़्ट राइट ग्राउंड है अपना, ये लेफ़्ट राइट ग्राउंड जो है अपना, हमने यहाँ पे जो है एक एम्पलीफायर मॉड्यूल लिया हुआ है। इसका मॉडल नंबर जो है आपको 3110 है, ये 30+30 वाट होता है। इससे आप स्पीकर चला सकते हो 4 इंची के आराम से। ठीक है, 4 इंची 6 इंची ये दोनों स्पीकर बजा देगा, और ये 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक यहाँ पे आप इसमें इनपुट दे सकते हो। तो हमने सिंपली करना क्या है, लेफ़्ट राइट ग्राउंड इसका ऐसे ही लगा देंगे इसके अंदर, जैसे लेफ़्ट राइट ग्राउंड यहाँ से निकलेगा, ये लेफ़्ट राइट ग्राउंड यहाँ से हम इसमें देंगे, और उसके बाद जो है और यहीं से दो वायर जोड़ेंगे
इनको कनेक्टर्स लगाने के लिए, यहाँ पे जो इनपुट है हमारी, ये इनपुट में जब कनेक्टर्स हमारे लगेंगे इस प्रकार से, तो इनमें लगाने के लिए हमने यहाँ पे दो वायर जोड़ेंगे, ये लेफ्ट हो गया राइट हो गया, लेफ्ट राइट हमने यहाँ पे लगा देना है, लेफ्ट राइट यहीं से ले लेंगे हम आउटपुट, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो इससे हमारा ये दोनों स्पीकर भी बजेगा और सबवूफर भी बजेगा, तो ब्लूटूथ यूएसबी और सब काम करेगा, पेन ड्राइव भी काम करेगा, मेमोरी कार्ड भी काम करेगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस तरीके से आपको ये सारा सामान मिलेगा, और ये सामान का जो प्राइस है वो तकरीबन आपको 6,000 रुपये का बेस ट्यूब आपको ये कंप्लीट मिलेगा। डिलीवरी चार्ज जो है वो अलग से लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये कंप्लीट बेस ट्यूब और ये सारा सामान ये आप लोगों को 6,000 रुपये में मैं दे दूंगा, और कितनी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हो, 1-2 100 पीस भी ले सकते हो, ठीक है। और ये अपना सबवूफर है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, और इसकी अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं वायरिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों इसकी पूरी, और इसको चला के भी दिखाऊंगा, ठीक है, साउंड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसी मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और आप लोगों को ऐसे ऐसे नए नए सामान भी देखने को मिले और नए नए सामान भी मिले, ठीक है। और आने वाले टाइम पे जो है हम आप लोगों के लिए एक ऐसा स्टूडियो तैयार कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को सिर्फ ऑडियो सिस्टम के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।